हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। दोस्तों आज हमने डिसाइड कर लिया है स्विमिंग पूल पर नहाने के लिए जा रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और हम मैं और मेरा दोस्त यहाँ से निकल चुके हैं स्विमिंग पूल पर नहाने के लिए। तो आप देख सकते हैं अपनी कार से चलते हुए बहुत ही स्पीड से, तो मेरा दोस्त ड्राइविंग कर रहा था। तो हम अभी चले जा रहे हैं, आज हमने डिसाइड कर लिया कि हम स्विमिंग पूल पर नहाने जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल 2:30 बज चुका है दोपहर के। तो हम मार्केट में चलते हुए, मार्केट आने वाला है। तो यहाँ से हम ओनली 2 ही लोग हैं और पूरी गाड़ी खाली है। तो आप देख सकते हैं मार्केट में आ चुके हैं। यहाँ से टर्न राइट मुड़ेंगे, तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये द्वारा दिख रहा है टेकरी मंदिर का। यहाँ से अंदर प्रवेश करते हुए वाला है, आप देख सकते हैं मोती सागर तालाब। मैं ये आपको बताऊंगा मोती सागर तालाब का बहुत ही सुंदर व्यू। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हम बहुत ही स्पीड से जा रहे हैं। तो इसके बाद आप देख सकते हैं साइड राइट साइड की ओर कितना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। इस साइड बहुत ही स्पीड से जा रहे थे इसलिए अच्छा व्यू नहीं ले पाया हूँ, बट यहाँ शाम के बहुत ही अच्छा व्यू आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं जी हम यहाँ पर टेकरी मंदिर आ चुके हैं। तो यहाँ से हमने कुछ दर्शन किए, दर्शन तो नहीं कर पाए। विनती की यहाँ से आप सब सामने देख सकते हैं पिछोर का किला है, पिछोरी किले के बगल से जाते हुए। तो यहाँ हमें गाड़ी मिल चुकी थी, तो एक बार हमारी गाड़ी रह चुकी थी। अब इसके लिए थोड़े थोड़े चढ़ते हुए हमने अपनी गाड़ी टेक चढ़ा ली थी। अब इससे देख सकते हैं पूरी चारों तरफ डांगी डांग में हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो यहाँ से हम चल दिए हैं इस तरफ की डांग, दोनों तरफ डांगी डांग है। थोड़ी दूर जाना है हमको, इस साइड पे शोर का नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ही ऊँचे पहाड़ पर आ चुके हैं हम। यहाँ से देख सकते हैं आप पूरा व्यू कितना सुंदर नज़ारा है। तो यहाँ से हम चले जा रहे हैं, चलते चलते बहुत ही हमने रील वगैरह बनाई इंस्टा पर। और यहाँ से हम चलते चलते तो इसलिए थोड़ा टाइम लग चुका है। यहाँ से निचली वाली रास्ता हमको जाना है, बहुत पहले आए थे इसलिए हम रास्ता भी भूल चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कहाँ पर स्विमिंग पूल बनाया है इन लोगों ने, बहुत ही दूर डांग मर मतलब डांग पर, ये एक तरह का एकांत सुनसान जगह पर। तो यहाँ देख सकते हैं स्विमिंग पूल का पूरा नज़ारा दिखाएंगे हम, कैसा है, क्या नहाने का मौसम रहता है, देखते हैं कितना साफ पानी है, कैसे आए तो पूरे नहाने के विचार में ही हैं। तो यहाँ से हम गाड़ी क्या रखेंगे यार, वहीं पर ले चलते हैं। तो यहाँ से हमारा विचार है ना कि गाड़ी तो वहीं पर ले चलते हैं, नहीं हम यहीं पर पार्क कर रहे थे तो हम स्विमिंग पूल के पास ही ले चलेंगे। तो यहाँ से चलते हैं स्लो स्लो, थोड़ी रास्ता ख़राब है इसलिए यहाँ से हम चल दिए हैं। आप सामने देख सकते हैं पट्टी लगी है, वो हमारा स्विमिंग पूल आ चुका है। तो यहाँ हमने आम के नीचे गाड़ी को रख दी है। तो आप देख सकते हैं हम पहुँच चुके हैं। अब हम ये बात करने लगा था मेरा दोस्त, अब यहाँ से हम ये देख रहे हैं तिरंगा झंडा हमारा कितना प्यारा लग रहा है। ये हमारे भोलेनाथ जी, जय हो भोलेनाथ। ये हमारे दोस्त गणपति जी से थोड़ी छेड़छाड़ करते हुए अब यहाँ से हम चल दिए स्विमिंग पूल के अंदर प्रवेश, एंट्री लेते हैं। तो यहाँ से हम चल दिए हैं अंदर की ओर, तो बहुत ही एक शानदार व्यू देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं विद्या रखैया बोलते हैं इसको हमारे इधर। तो यहाँ से हम इसे देखते हुए जीना चढ़ते हुए स्विमिंग पूल का आप नज़ारा देख सकते हैं, ये भरा है स्विमिंग पूल। तो हमें तो ज़्यादा साफ नहीं लगा क्योंकि इस पर फिल्टर पानी नहीं हो रहा था, हमारा मूड बदल ही गया था कि अब नहीं नहाएंगे, इस पर साफ नहीं था पानी, इसलिए हमने नहाने का विचार कैंसिल कर दिया। और यहाँ देख सकते हैं कितने आम सॉरी अंगूर की बगिया लगी थी चारों तरफ, देख सकते हैं बाग ही बाग है। हमने थोड़ा छांव वगैरह ली और यहाँ से हम हमारा दोस्त बात कर रहा था टिकट कटता है यहाँ पर।
स्विमिंग पूल का। वैसे हमारा विचार तो कैंसिल हो गया था, मालिक पूछने गए थे कितने रुपए का कटता है टिकट। तो हम वहाँ से भागे चुके हैं, अपने गाड़ी के पास आ चुके हैं। अब इसके पास हम कुछ थोड़ी फोटो वगैरह ली, हमने रील वगैरह बनाई। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें।